आज के हमारे चैप्टर का नाम है प्रिशियस सॉइल, यानी कि कीमती मिट्टी। सॉइल फॉर्मेशन, और हमारा जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, वो कैसे बनती है। द अर्थ इज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव ऑन। अर्थ एक बहुत सुंदर जगह है जिस पे हम जी सकते हैं। देयर आर हिल्स एंड प्लेन्स। अब यहाँ पे क्या क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, प्लेन्स यानी कि प्लेन लैंड है, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, ड्राई लैंड एंड सीज ऑन अर्थ। डेजर्ट यानी कि जो रेत की जगह होती है वो है, माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, ड्राई लैंड सूखी ज़मीन भी है, सीज यानी कि जैसे समुद्र ओशन होता है हमारे, वो सब चीज़ भी हैं अर्थ पे। अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिव हेयर। अब बहुत तरह के जानवर यहाँ पर रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन इट। अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी यहाँ पर ग्रो करते हैं। द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। अर्थ हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। इन द बिगनिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ। और स्टार्टिंग में अर्थ पर तो कोई लाइफ ही नहीं थी, यानी कि कोई जीवन नहीं था। इट वॉज कवर्ड विद हार्ड रॉक्स। यहाँ पर बस मोटे मोटे पत्थर और चट्टाने थी। द सन हीटेड अप द रॉक्स। और जो सन था, जो सूरज की किरणें थी, वो उन पत्थरों को और उन पहाड़ों को हीट करती थी, यानी कि गर्म कर देती थी। द रेन कूल्ड देम एंड द विंड ब्लू ओवर देम। अब जो और फिर जब बारिश होती थी तो बारिश से वो ठंडा हो जाता, और जो विंड होती थी वो वहाँ पर चलती थी, पहाड़ों के ऊपर से चलती थी। This contributed for millions of years. Continued for millions of years. अब ये चीज़ millions of years तक, यानी कि बहुत सालों तक यही चीज़ चलती रही। As a result, the rocks broke up into small pieces. अब as a result, यानी कि इससे क्या हुआ कि जो हमारे rocks थे, जो पहाड़ थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। These small pieces broke further into smaller pieces. फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो और छोटे टुकड़ों में टूट गए। दे वर कैरीड अराउंड बाय विंड एंड वाटर। अब उन वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको अपने साथ पानी और हवा बहाकर ले गए। द पीसेज रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। फिर जो छोटे छोटे वो पीसेस थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट तब तक रब होते रहे, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट तब तक घिसते रहे जब तक वो सॉइल के पार्टिकल नहीं बन गए। टाइनी पार्टिकल्स यानी कि बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल जिनको हम आंखों से बहुत मुश्किल से देख पाए और नहीं भी देख पाए। द एक्शन ऑफ द सन द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल। अब जिस एक्शन से, यानी कि जिस चीज़ की वजह से, यानी कि जो सन ने जो काम किया, रेन ने जो काम किया और विंड ने जो काम करा उन रॉक्स को तोड़ने में, उसकी वजह से बना हमारा सॉइल। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस टू हैपन। अब सॉइल बनने के लिए बहुत साल लग गए, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। टेक सैम्पल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम द रोड साइड अ प्लेग्राउंड अ गार्डन और अ पैडी फील्ड। अब जो सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है हमारी, अब आप रोड की साइड वाली कोई मिट्टी उठा लो, या फिर प्लेग्राउंड की कोई मिट्टी उठा लो, गार्डन की कोई मिट्टी उठा लो, या पैडी फील्ड यानी कि जहाँ पर चावल उगता है वहाँ से कोई मिट्टी का, यानी कि इन सब जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी का सैंपल ले लो, यानी कि थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट कर लो। वाइल वन सैंपल मे बी लाइट ब्राउन, जिसमें से कोई एक सैंपल यानी कि कोई एक जो कलेक्शन हमने करी होगी, जैसे सपोज रोड साइड की, हो सकता है वो लाइट ब्राउन हो, द अदर मे बी डार्क ब्राउन और ब्लैक, और बाकी की मिट्टी डार्क ब्राउन भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। द थर्ड मे बी ऑफ येट अनदर कलर, और तीसरी वाली तो हो सकता है किसी अलग कलर की हो। Different kinds of soil have different color. अब अलग अलग तरह के जो soil होते हैं उन सबके अलग अलग कलर होते हैं। अब जरूरी नहीं है हर मिट्टी ब्राउन कलर की हो, कोई ब्लैक कलर की भी हो सकती है, कोई डार्क ब्राउन भी हो सकती है, कोई लाइट ब्राउन भी हो सकती है। Now observe each sample with a magnifying glass. अब हर एक sample को हम magnifying glass वो होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, zoom करके देख सकते हैं उनको, उन उस सैंपल को हम उन ग्लास के थ्रू देखें। यू विल सी
दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब हम ये देखेंगे कि तो अलग अलग तरह के सॉइल है, अलग अलग तरह की मिट्टी है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, यानी कि जैसे ये हमारा बहुत सारा सॉइल है, अब इसके अंदर छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं, ये सब अलग अलग साइज के होंगे। वट डस सॉइल कंटेन, अब सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब जैसे हम ये फोटो देख रहे हैं तो इन्होंने बता रखा है सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। ह्यूमस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर होगी वो होगी ह्यूमस की। दूसरी लेयर आती है हमारी क्ले की, तीसरी आती है सैंड की, चौथी आती है स्टोन्स की। तो हम पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स फ्लोट ऑन टॉप। अब जो मरे हुए जानवर या मरे हुए जो हमारे पौधे होते हैं, उन सब के जो टुकड़े होते हैं वो हमारे सॉइल के सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर रहते हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमस, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। तो अब हम ये एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम सॉइल फ्रॉम अ गार्डन, अब एक गार्डन में से एक थोड़ा सा सॉइल लेकर आओ, उसे पुट इट इनटू एन एम्प्टी जार और उसे एक खाली बर्तन में रख दो। फिल द जार विद वाटर, फिर उस जार के अंदर पानी डाल दो। कवर इट विद लिड एंड शेक वेल, फिर उसको एक लिड यानी कि ढक्कन के साथ कवर करके उसको बहुत अच्छे से शेक करो। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर 15 मिनट्स, फिर उस मिक्सचर को 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो। नाउ लुक एट द जार केयरफुली, उसके बाद उस जार को बहुत ध्यान से देखो, जैसे हमने इस जार में करा और हम इसे अब ध्यान से देखेंगे। द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर सीन अबव द स्टोन, फिर जो ये सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं हमारे स्टोन्स यानी कि जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर दिखते हैं। द क्ले सेटल्स डाउन अबव द सैंड, फिर जो क्ले है वो हमारी सैंड के ऊपर सेटल हो जाती है। द वॉटर अबव द टॉप लेयर इज नॉट वेरी क्लियर, फिर जो वाटर होता है यानी कि इस टॉप लेयर के ऊपर वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है हमारी एक्टिविटी टू, पुट सम सॉइल इन अ स्मॉल टिन, अब हमें थोड़ा सा सॉइल लेना है एक छोटे से टिन के अंदर, यानी कि एक जार, मतलब कि एक बर्तन, टिन एक लोहे का बर्तन जैसा होता है, उसके अंदर रखना है हमें। कवर इट विद अ लिड, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा दो। विद द हेल्प ऑफ एन अडल्ट हीट द टिन ऑन अ लो फ्लेम, फिर किसी बड़े की मदद से आप इस टिन को मंदी आंच पर गैस पर हीट करें। ओपन द लिड, फिर लिड को हटाएं, ढक्कन को हटाएं। वट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लिड, फिर आप उस ढक्कन के अंदर क्या देखेंगे। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बूंदे। दिस प्रूव्स दैट सॉइल हैज मॉइस्चर इन इट, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर होता है। जैसे कि ये फोटो देखो, ये हमने टिन लिया एक, उसके अंदर सॉइल रखी, फिर उसके बाद हमने उसको गैस पर रखा लो फ्लेम पे। थोड़ी देर बाद हमने जब लिड हटा के देखा तो इसके ऊपर, ढक्कन उठा के देखा तो इसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स थी। तो इससे पता चला कि जो हमारा सैंड है उसके अंदर मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी, पुट सम सॉइल इन अ ग्लास जार, अब थोड़े से सॉइल को हमें एक ग्लास के जार के अंदर रखना है। पोर वाटर ओवर इट, और उसके ऊपर से फिर पानी डालना है। यू विल सी बबल्स फ्लोट अप, फिर आप देखोगे कि उसमें बबल्स बनने लगे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड इन द सॉइल, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा सॉइल है उसके अंदर हवा मौजूद थी, एयर प्रेजेंट थी, एयर ट्रैप्ड थी। दिस एयर एस्केप्स एंड फॉर्म्स बबल, फिर ये जो एयर थी वो सैंड में से निकली और उसने बबल्स बना दिए।